हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चटपटी मज़ेदार दही वाली मिर्च की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। जब भी आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसे बनाकर रोटी या चावल दाल के साथ खा सकते हैं। तो आइए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स, ये वाली हरी मिर्च थोड़ी कम तीखी होती है, आप भी कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। हरी मिर्च को हम पोंछकर सुखा लेंगे। हरी मिर्च के ऊपर की डंडियों को हम इस प्रकार निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी मिर्चियों के डंडियाँ निकाल ली हैं। अब हम चाकू की सहायता से इस प्रकार मिर्च में हाफ कट कर देंगे। ये देखिए, मैंने सभी मिर्चियों में कट लगा लिए हैं। आइए अब एक मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 12 से 15 काली मिर्च के दाने ले लेंगे। मसाले को हम लो फ्लेम पर खुशबू आने तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने मसालों को दरदरा पीस लिया है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक पैन में हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसे कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हरी मिर्च को लगभग 1 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब जो मसाले हमने तैयार किए हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आइए अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम 1 टेबलस्पून सरसों का तेल धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून काली सरसों डाल देंगे। काली सरसों के अच्छे से क्रैकल होने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और सभी चीज़ों को कुछ सेकेंड्स तक भून लेंगे। इसके बाद जो हरी मिर्च हमने फ्राई की है उसे हम यहाँ डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने हरी मिर्च को पहले ही फ्राई कर लिया है और हमारे मसाले भी भुने हुए हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे कुछ सेकंड्स तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें 5 टेबलस्पून फेटी हुई फ्रेश दही डाल देंगे। दही डालने के बाद हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए कुछ देर तक पका लेंगे। अंत में हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके 1 नींबू का रस डाल देंगे। नींबू के रस को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, जब भी मैं मार्केट से हरी मिर्च लेकर आती हूँ तो दही वाली मिर्च तो ज़रूर बनाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं। आप इसे 3 से 4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ एक नए डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लजीज रेसिपी का आनंद उठा सकें।